तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आप अपने एयरटेल कस्टमर केयर से कैसे बात कर सकते हो। अगर आपको नहीं आता है कस्टमर केयर से बात करते, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप कस्टमर केयर से कैसे बात कर सकते हैं एयरटेल के सिम से। तो सबसे पहले अपना फ़ोन डायलर का एक ऑप्शन होगा, सिंपली फ़ोन डायलर ऐप को ओपन कर लेना है और फिर यहाँ आपको नंबर दबाना होगा 198, मतलब आपको 198 नंबर दबाना होगा। उसके बाद आपको कॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और वो भी किससे करना है, आपके एयरटेल वाले सिम से। तो जस्ट मेरा एयरटेल वाला सिम सेकंड में, तो सिंपली इसमें तो फाइनली यहाँ से हमारा कॉल लग चुका है। अभी आपके सामने मैं वॉइस रिकॉर्डिंग भी चालू कर लेता हूँ ताकि आपको सब समझ में आए। है तो सबसे पहले आपको जो बोल रहा हूँ वो प्रीपेड ही विकल्प सेवाओं के आपको लिए दबाने 8 5G के बारे में जानने के लिए 1 दबाएं, बाकी विकल्प चुनने के लिए 2 दबाएं। तो अभी आपको 2 दबा देना है। 15 जनवरी 2023 तक आपका पैक वैलिड है। आपके मोबाइल का डेटा कोटा है 2.0 GB, जिसमें से 2.0 GB डेटा बचा है। आपके प्रीपेड मोबाइल का अकाउंट बैलेंस है 0 रुपए। आपको अपने नए प्लान के साथ अतिरिक्त बेनिफिट्स मिले हैं जिनको अभी क्लेम करना बाकी है। अभी क्लेम करने के लिए एयरटेल थैंक्स ऐप पर जाएं। ये जानकारी SMS द्वारा पाने के लिए 1 दबाएं, अन्यथा 2 दबाएं। तो अभी आपको 2 क्लिक कर देना है। इंटरनेट काम ना करने, सिम खो जाने और कॉल ना कर पाने या रिसीव करने या SMS भेजने से संबंधित समस्या की रिपोर्ट करें 1 दबाएं। अपना अकाउंट बैलेंस, वैधता, डेटा बैलेंस, थैंक्स रिवॉर्ड, आखिरी कटौती, PUK और अपना मोबाइल नंबर जानने के लिए 2 दबाएं। हेलो ट्यून डू नॉट डिस्टर्ब सेवाओं और रिचार्ज ऑफर जैसे अनलिमिटेड पैक, स्मार्ट पैक और डेटा पैक के लिए 3 दबाएं। अपनी IVR भाषा को बदलने के लिए या अपील दर्ज करने के लिए 4 दबाएं। दोबारा सुनने के लिए 0 दबाएं। पिछली सूची के लिए 7 दबाएं। मुख्य सूची के लिए 8 दबाएं। अभी आपको दूसरे नंबर पर डबल से एक बार क्लिक कर देना अपना है। अपना अकाउंट बैलेंस, वैधता और डेटा बैलेंस जानने के लिए 1 दबाएं। एयरटेल थैंक्स रिवॉर्ड्स की जानकारी के लिए 2 दबाएं। अपने नंबर पर हुई आखिरी 5 कटौतियां और रिचार्जेस के लिए 3 दबाएं। अपना PUK नंबर या मोबाइल नंबर जानने के लिए 4 दबाएं। दोबारा सुनने के लिए 0 दबाएं। पिछली सूची के लिए 7 दबाएं। मुख्य सूची के लिए 8 दबाएं। हमारे कस्टमर सर्विस स्पेशलिस्ट से बात करने के लिए 9 दबाएं। तो गाइस फाइनली आपको यहाँ से 9 दबा देना है। आपके कस्टमर सर्विस स्पेशलिस्ट को ट्रांसफर की जा रही है। ये कॉल सर्विस क्वालिटी की जांच के लिए रिकॉर्ड की जा सकती है। नमस्कार, एयरटेल में आपका स्वागत है, मैं क्या सहायता कर सकती हूँ? तो फाइनली आपको पता चल गया होगा आप कस्टमर केयर से कैसे बात कर सकते हैं।